हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इयत्ता चौथी सुलभ भारती मराठी का लेसन नंबर है 26। लेसन नंबर 26, आमचे चुकले। आमचे मतलब हमारे, चुकले मतलब हमारी भूल, हमसे गलती हो गई। बहुत बच्चों, ये बहुत ही प्यारा लेसन है जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें आप चित्र में देखिए, इस चित्र में देखकर आप देख रहे हैं ये ट्रेन है। ट्रेन में लोग सफ़र कर रहे हैं और खा रहे हैं और खा पी के जो कचरा है नीचे फेंक रहे हैं। और एक भला इंसान, बहुत ही अच्छा इंसान है जो उनका कचरा उठा रहा है। तो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि ये कौन है और क्यों कचरा उठा रहा है, वो सब हम सवालों के जवाब हमें मिलने वाले। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। एकदा साने गुरुजी रेलवे ने प्रवास करत होते। बच्चों, एक बार साने गुरुजी रेलवे से प्रवास मतलब ट्रैवल कर रहे थे। अब साने गुरुजी बहुत बड़े ऑथर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। त्यांच्या शेजारचे प्रवासी शेंगा संतरी खात होते। त्यांचे मतलब उनके, शेजारचे मतलब नेबर में, जो बाजू में पड़ोस में बैठे थे जो ट्रैवल कर रहे थे, वो शेंगा मतलब मूंगफली, संतरी मतलब ऑरेंज खा रहे थे। मतलब वो जो उनके बाजू में बैठे थे, ये देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, ये जो चित्र है उसमें आप देख सकते हैं कि दो जने बैठे हैं और वहाँ पे उनके बाजू में बैठे थे और वो शेंगा मतलब पीनट्स और संतरी मतलब ऑरेंज खा रहे थे। त्रफले साली खाली ताकत होते। टर्फले का मतलब होता है बच्चों छिलका, पीनट्स का छिलका। साली मतलब ऑरेंज का छिलका। तो वो लोग जो खा रहे थे पीनट्स और ऑरेंज खा रहे थे, तो उसके जो छिलके थे ना वो नीचे ही फेंक रहे थे। त्यांचे खाऊन जालियावर गुरुजी उठले। अब उनका जब खाके हो गया, जब वो पीनट्स और संतरा जो खा रहे थे ट्रेन में, तो खाके जब उनका हो गया तो गुरुजी उठले मतलब गुरुजी उठे। टर्फले साली घोड़ा केलिया मतलब गुरुजी ने क्या किया। टर्फले मतलब वो जो पीनट्स का जो छिलका था और ऑरेंज का जो छिलका था उसको एक जगह इकट्ठा किया। कागदात बांधून ठेवला, उन्होंने कचरे को एक पेपर में अच्छे से बांध लिया। गुरुजी आपल्याला जागेवर बसले, और वो सब कचरा उठाने के बाद गुरुजी अपनी जगह पे जाकर बैठ गए। शेंगा खाण्या प्रवाशाना खंत वाटली नाही। अब जो वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, जिन्होंने कचरा फेंका नीचे, जिन्होंने खाया मूंगफली और संतरा, उनको ज़रा सा भी बुरा नहीं लगा इस बात का कि कोई और उनके कचरे को उठा रहा है। उनको ज़रा सा भी बुरा नहीं लगा क्योंकि वो नहीं पहचान रहे थे कि ये कौन है। नंतर पुढच्या स्टेशनवर एक प्रवासी त्या डिब्यात चढ़ला। उसके बाद, नंतर मतलब उसके बाद, उसी डब्बे में एक स्टेशन पर एक और ट्रैवलिंग करता हुआ एक प्रवासी उसी डब्बे में चढ़ा। साने गुरुजी ना पाहताच त्याने वाकून नमस्कार केला। जब वो चढ़ा ट्रैवलिंग करने वाला प्रवासी, तो उसने साने गुरुजी को देखा और साने गुरुजी को जैसे ही देखा और उसने पहचान लिया और उसने झुककर उसको, साने गुरुजी को नमस्कार किया। तेवा शेजारची प्रवासी मंडली चमकली। अब ये जो उसने नमस्कार किया, तो ये जो दो लोग थे जिन्होंने कचरा फेंका था, उनको ऐसे एहसास हुआ, उनको मंडली मतलब उन दोनों लोगों को एहसास हुआ कि ये जो है कोई बड़े लोग हैं, ये जो हैं बड़े आदमी हैं। त्यानी चौकशी के लिए, उन्होंने उस बारे में इंक्वायरी किया। चौकशी करताच ते साने गुरुजी आहेत हे त्याना कळले। अब उन्होंने, दोनों ने इंक्वायरी की, जिन्होंने कचरा फेंका था, अब उनको फील हुआ और उन्होंने इंक्वायरी की ये कौन है। तब इंक्वायरी करने से उन्हें पता चला कि ये साने गुरुजी हैं। ते सर्वच खजील जाले व मनाले गुरुजी आमचे चुकले क्षमा करा।
अब उनको जब पता चला दोनों को कि साने गुरुजी यही हैं और साने गुरुजी बहुत ही बड़े इंसान थे, तो जब उन्हें पता चला कि उनका कचरा साने गुरुजी ने उठाया है तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उनको पछतावा होने लगा और उन्होंने बोला गुरुजी को कि गुरुजी हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए। गुरुजी नम्रपणे मणाले, गुरुजी ने बहुत ही नम्रता पूर्वक बोला, मैं कौन तुम्हाला क्षमा करणार, मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ़ी देने वाला। तो देखिए गुरुजी कितने अच्छे स्वभाव के थे, इतना सब होने के बाद भी उन्होंने दूसरे का कचरा उठाया तो भी वो नम्रता से उनको बोल रहे हैं कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला, मतलब वो अपने आप को इतना बड़ा नहीं मान रहे थे। गाड़ी मध्ये आपण सर्वजण बसतो, प्रवास करतो, गाड़ी के अंदर, गाड़ी मध्ये मतलब गाड़ी के अंदर, आपण मतलब हम लोग, सर्वजण मतलब सब लोग, साने गुरुजी उनको बोल रहे हैं कि हम लोग सब मिलकर गाड़ी के अंदर बैठते हैं और हम लोग गाड़ी में सब लोग मिलकर ट्रैवलिंग करते हैं। गाड़ी स्वच्छ ठेवणार ही सर्वांचीच जवाबदारी आहे, गाड़ी को साफ रखना ये सब हम सब लोगों की जिम्मेदारी, जवाबदारी मतलब जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो साने गुरुजी क्या बोलते हैं कि हम गाड़ी के अंदर सब लोग बैठ रहे हैं, सब लोग सफ़र कर रहे हैं, तो गाड़ी को स्वच्छ रखना हम सब की मिलकर ये जिम्मेदारी है। गाड़ी गाण होऊ नये म्हणून मी ती स्वच्छ केली, गाड़ी स्वच्छ मतलब अभी साने गुरुजी क्या बोल रहे हैं कि गाड़ी जो ख़राब हो जाएगी, गंदगी उसमें हो जाएगी गाड़ी के अंदर, इस वजह से मैंने उसकी सफाई किया। तो साने गुरुजी बता रहे हैं कि उन्होंने क्यों उठाया कचरा, क्योंकि गाड़ी में सब लोग सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी साफ रखना सबका जिम्मेदारी है, तो गाड़ी गंदी हो जाएगी तो इसके लिए उसको, गाड़ी को गंदी नहीं हो उसको साफ रखने के लिए साने गुरुजी ने पूरा कचरा खुद ही उठा लिया। अशी ही गुरुजींची वृत्ति, ऐसा ही था गुरुजी का स्वभाव, इतना नम्र, इतना अच्छा स्वभाव के थे साने गुरुजी। आपल्या जीवनात कोणते ही काम त्याने कदीच हल्के मानले नाही, मतलब साने गुरुजी जो थे उनके जीवन में वो किसी भी काम को हल्का या छोटा नहीं समझते थे। देखिए बच्चों, दूसरे किसी ने कचरा किया पर उसको साफ किसने किया, साने गुरुजी ने, मतलब साने गुरुजी बहुत बड़े इंसान थे। उसके बाद भी किसी और का कचरा उठा के उन्होंने दिखा दिया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, हर काम करना चाहिए और गाड़ी को साफ रखना सबकी जिम्मेदारी है। तो साने गुरुजी की ये बात हमें समझनी चाहिए और हमें भी ऐसा फॉलो करना चाहिए कि किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए और अपने आजू बाजू के एरिया उसको साफ रखना चाहिए। जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं बच्चों, तो हमें कभी भी कोई भी चीज़ नीचे कचरा नहीं फेंकनी चाहिए, बट उसको बांध के डस्टबिन में डालना चाहिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जैसे मेरे वीडियो जो है न्यू आपके तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, खुश रहिए, खूब पढ़िए।